हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और प्यार भरा नमस्कार भी सभी के लिए। आज फिर हम एक प्लांट की बातें करेंगे आपके साथ। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। उससे साथ साथ में मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि देखिए, मैंने अपनी बालकनी में थोड़ा बहुत रिवैम्पिंग, हर रोज़ ये चेंजेस करते ही रहते हैं, कभी किसी प्लांट को इधर रखो उधर, और थोड़ा बहुत पॉटिंग में एक्सचेंज करो किसी में, या किसी में खाद डालो। तो चलते चलते थोड़ा बहुत चेंज, देखिए इसके तो ब्रांच के, देखिए स्पाइडर के कितने सुंदर सुंदर बेबीज भी आ रहे हैं। देखिए कितने सुंदर बेबीज हैं जो कि लटक रहे हैं। तो मेरा मन किया मैं आपको इसके भी शेयर कर दूँ इसको भी। और तो चलिए आज हम एक नए पौधे की आपके साथ बात करती हूँ, प्लांट की। बहुत ही प्यारा, उसका नाम सुन के ही मन खुश हो जाएगा। उसको कहा जाता है मदर ऑफ थाउजेंड्स, एलिगेटर प्लांट। ये देखिए मैक्सिकन हैट प्लांट, और तो और ब्रायोफाइलम डाइजी मोंटियाना भी कहा जाता है। बहुत ही एक प्यारा सा, देखिए सक्केलेंट है ये, और किस तरह से मतलब ग्रो हो रहा है। इसकी मैं खासियत आपको दिखाऊंगी इसको कि मदर ऑफ थाउजेंड्स क्यों कहा जाता है। और अगर हम नेटिव की बात करें तो ये मडागास्कर, नेटिव टू मडागास्कर, और ब्रायोफाइलम तो है ही है। और इसकी जो प्रोपेगेशन है वेजिटेटिवली हो जाती है, बहुत इजी। देखिए इसके ऊपर प्लांटलेट्स हैं, इसकी जो लीव्स हैं, लीव्स की मार्जिन्स पे देखिए छोटे छोटे से प्लांटलेट्स लगे हुए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। और जैसे ही ये प्लांटलेट्स देखिए, ये देखिए टूट गया, ये टूटेगा जैसे ही, और ये नीचे अगर हम मिट्टी में चला जाएगा तो ये प्लांट बन जाते हैं। और देखिए, और नीचे भी आप देख पाएंगे कि गिर गिर के कितने सारे मेरे प्लांट्स, बेबी प्लांट्स इसको की कहा जाता है। शायद ये इतने सारे बेबी प्लांट्स बना लेता है, इसीलिए इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स कहा जाता है। अभी तो मेरे सारे इस पे, ये देखिए जितनी आपको ये नोड्स, ये देखिए जितनी, ये देखिए छोटा सा बेबी प्लांट, बहुत सारे लगे रहते हैं। ये देखिए जितनी भी लगे हुए हैं, जितने भी नीचे गिरेंगे सबसे एक नया प्लांट बन जाएगा। मतलब ये कितने सारे बेबीज, एक लीफ पे ही इतने बेबीज आ जाते हैं। और मेरे पास भी बहुत सारे प्लांट बनते जा रहे हैं, और मैं हालांकि मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ अपने फ्रेंड्स को, और फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं मेरे पास। और बाकी तो मैं आप देखने में तो आप देख ही पा रहे हैं कि कितना सुंदर प्लांट है। और जहाँ तक हम इसकी केयर की बात करते हैं तो केयर भी बहुत ईजी है। और इसकी लीव्स जहाँ तक हम बात करते हैं तो अल्टरनेट रहती हैं इसकी लीव्स। और केयर में तो मतलब इसकी केयर ना की जाए तो बेटर है, इसको ना पूछा जाए। जैसे कहते हैं ना, किसी को चाय पानी पूछना, इसको नहीं पूछा जाएगा तो ये बहुत बढ़िया से चलेगा। मतलब कि इसको हर रोज पानी बिल्कुल नहीं देना। जब तक देखिए, आप इसकी मिट्टी को देखिए, अभी आपको इसकी मिट्टी जो है, सॉइल जो है, ये गीली दिख रही है, तो हल्की सी भी गीली, जब तक पूरी सूख ना जाए तब तक आप इसको पानी मत दीजिए। और जैसे ही बारिश का मौसम आए तो इसको बहुत अच्छे से आपको बचाना पड़ेगा बारिश के मौसम में। बारिश में ये नहीं होना चाहिए कि इसमें ओवर वाटरिंग हो जाए, क्योंकि बारिश में जैसे ही पानी आएगा, भर जाएगा अगर, तो इसमें ओवर वाटरिंग हो सकती है। और ख़ास तौर से अगर ये प्लास्टिक के कंटेनर्स में लगा हुआ है तो बहुत जल्दी डाई होने के चांसेस रहेंगे। देखिए अगर ज़मीन पे लगा होता है तब तो वो फिर भी इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लांट अपने आप को सेव कर लेता है। उसी तरह से अगर ये क्ले के, ये टेराकोटा के प्लांटर में लगा होता है फिर भी कुछ चांसेस रहते हैं इसके बचने के, लेकिन अगर ये प्लास्टिक के पॉट में रहता है तो फिर तो वो ये ओवर वाटरिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ओवर वाटरिंग के इसको तो पानी ही कम चाहिए। और जहाँ तक हम लाइट की बात करें तो सनलाइट इसको अच्छे से चाहिए, तो जितनी अच्छी सनलाइट देंगे उतना ज़्यादा बेबीज प्रोड्यूस करेगा ये। और जहाँ तक हम सॉइल की बात करते हैं, मिट्टी की, तो मैं हर प्लांट के लिए कहती हूँ, इसके लिए तो खास कहती हूँ कि इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं तो मतलब रहता है ड्रेनेज सिस्टम से कि जब हम पानी दें और पानी निकल जाए, मीन्स वही हो गया ना कि पानी खड़ा नहीं रहे, ओवर वाटरिंग ना, स्टेग्नेंट नहीं होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका प्लांट नहीं चल पाएगा। तो देखिए कितना सुंदर प्लांट और कितने सारे बेबीज एक साथ हमें दे देता है, मैक्सिकन हैट प्लांट, एलिगेटर प्लांट। और देखिए मैं आपको दूसरी अपनी बास्केट में दिखाती हूँ। तो देखिए ये तो वहाँ से जितने भी मेरे प्लांट्स, वो मेरा मदर प्लांट था जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, और देखिए उसने कितने सारे बेबीज प्रोड्यूस कर दिए। और अंदर देखिए मैं आपको, ये देखिए कितने सारे हैं,
छोटे 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 और ये सब बड़े हो जाने वाले हैं। और एक एक देखिए अभी से ही इनकी लीव्स के ऊपर भी देखिए बेबीज आने शुरू हो गए हैं। तो एक ही प्लांट से, मदर प्लांट से आप कितने मर्जी प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी प्रोपेगेशन की बात। अगर आप इसकी यहाँ से भी प्रोपेगेशन हो जाएगी और अगर आप इसकी स्टेम कटिंग करके लगाएंगे तो भी इसकी प्रोपेगेशन इजीली हो जाएगी। वैसे तो ये जो बेबीज इसके रहते हैं प्लांटलेट्स, इससे ही इजीली हो जाती है। चलिए बहुत छोटा सा प्लांट है, छोटी सी बातें हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट तो कर लूँ ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सुमन की बगिया को, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि बेबीज वाला मिलियंस जिसके बच्चे हैं, बेबीज हैं, वो कैसा लगा प्लांट आपको। और सुमन की बगिया इंस्टाग्राम हैंडल को प्लीज़ फॉलो करिए जिसमें रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। और इसी के साथ ही मैं भी अपनी बातें बंद करती हूँ, विदा लेती हूँ। टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, बाय फ्रेंड्स।